जय हिंद साथियों, समसामयिक घटनाचक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं अनस मिर्जा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए आज का सेशन जो है, पिछले सेशन में कुछ बातें रह गई थी क्रिया के विषय के संबंध में, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सभी लोग सेशन को शेयर करके फटाफट जुड़ जाइए। क्रिया में हमने कल चर्चा किया था, पिछली वीडियो में चर्चा किया था सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान बताया था मैंने, और इसके बाद मैंने कुछ उदाहरण से आपको बहुत सारी बातें समझाई थी कि आप कैसे सकर्मक क्रियाओं की पहचान करोगे। इसमें दो तरीका हमने बताया था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है जो हमारा आज का टॉपिक, सकर्मक क्रिया की पहचान। पिछले वीडियो में हमने बता भी दिया था, लेकिन एक बार आप सभी लोग फिर से सुनिएगा। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में जानना होगा। तो क्रिया शब्द के पहले क्या प्रश्न करना है आपको और किसको प्रश्न करना है, इन दोनों प्रश्नों से हम प्रश्न बना लेंगे। और प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, दूसरा तरीका मैंने यह बताया था, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं कि हम वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, सामान्य भूतकाल में बदल लेंगे। और सामान्य भूतकाल में बदलने पर यदि कर्ता के साथ, किसके साथ, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए तो क्रिया सदैव क्या होगी, सकर्मक होगी। अगर भूतकाल में बदलने पर कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए तो क्रिया क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है, और नहीं आता है तो क्रिया कर्मक होती है। मैंने आपको बताया था, चलिए आज नोट कर देता हूं मैं यहां पर एक बार फिर, कि यदि कर्ता के साथ अगर ने लगा हुआ है किसी वाक्य में, यानी कर्ता के साथ अगर ने का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो वाक्य होगा वो किस काल में होगा, ये भूतकाल में होगा। किस काल में होगा, भूतकाल में होगा। और जो क्रिया होगी वो सदैव क्या होगी, सकर्मक होगी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए भूतकाल का और कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य समय भूतकाल में होगा, तो ने लगा होगा तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। क्लियर है, चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अब यहां पर हमने कुछ बातें और बताई थी पिछली वीडियो में, कि कभी कभी क्रिया पुल्लिंग आ जाती है, कर्ता स्त्रीलिंग होता है, कभी कभी कर्ता पुल्लिंग होता है, क्रिया स्त्रीलिंग हो जाती है। तो क्रिया जो होती है वो अपना रूप बदलती रहती है। क्रिया एक विकारी शब्द है, मैंने पहले ही लाइन में ये बात बताई थी आपको, जो क्रिया पढ़ाना शुरू किया था पिछली वीडियो में। तो आइए देखते हैं कैसे क्रिया अपना रूप बदलती है। जैसे मैं यहां पर एक वाक्य लिख रहा हूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहीं पर हम लिख दें राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, राधा पुस्तक पढ़ती है, ये दो वाक्य लिखा हुआ है। अब यहीं पर एक वाक्य मैं और लिख रहा हूं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब एक वाक्य मैं और लिख रहा हूं कि राधा ने फल खाया। अब कुछ समझ में आई बात कि नहीं, यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम है कर्ता, पुलिंग है, एक वचन है। यहां पर पढ़ता है क्रिया है, पुलिंग है, एक वचन है। यहां पर आया है कर्ता राधा, पुलिंग स्त्रीलिंग, सॉरी राधा स्त्रीलिंग, एक वचन। और यहां पर पढ़ती है क्रिया जो आई है, ये भी स्त्रीलिंग और एक वचन में आई है। यहां पर राम है पुलिंग, लेकिन क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग। यहां पे राधा है स्त्रीलिंग कर्ता, यहां पर क्रिया जो है वो पुलिंग है। तो ये कैसे क्रिया अपना रूप बदलती है, ये आपको जानना होगा। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। राम तो है कर्ता, और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है। तो जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो जो क्रिया आती है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलती है। और जब यहां पर भी देखिए राधा है कर्ता,
और राधा कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब कभी भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है तो आपको मैंने बताया कि जो क्रिया होगी वो सदैव कर्ता के अनुसार अपना लिंग और वचन बदलेगी। यहां पर राम ने पुस्तक पढ़ी, अब यहां पर आप देखोगे राम ने, राम के साथ ने का प्रयोग हुआ है। तो जब कभी भी कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाती है तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आती है बल्कि कर्म के अनुसार आती है। तो यहां पे क्या पढ़ी, तो आप कहोगे पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। ऐसे ही यहां पर देखोगे राधा ने फल खाया, अब यहां पर देखिएगा राधा स्त्रीलिंग, लेकिन राधा के साथ ने विभक्ति आई है तो यहां पर क्या खाया, तो आप कहोगे फल खाया, फल कर्म हो गया, फल पुलिंग, तो खाया क्रिया भी पुलिंग। जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार आती है, और जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है तो क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। जैसे अगर हम लिख दें कि राधा ने रोटियां, तो क्या होगा, खाई, ध्यान दीजिएगा, खाई रोटियां, खाई, यहां पर अनुस्वार लग जाएगा। अब यहां पर राधा ने कर्ता के साथ नहीं आ गया, क्या खाई, रोटियां, रोटियां कर्म हो गया, और जो कर्म है वो स्त्रीलिंग में है, रोटी स्त्रीलिंग और बहुवचन में, तो क्रिया जो है खाई ये भी स्त्रीलिंग, लेकिन यहां पर बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, खाई। तो कर्ता के साथ जब ने आ जाए तो क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार, और जब कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं आती है तो क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। ये दोनों पॉइंट आप नोट करिएगा, मैं नोट कर दे रहा हूं, चलिए मैं इधर नोट कर देता हूं, आप सभी लोग बना लीजिए नोट। नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट में लिखिएगा आप सभी लोग, जब कर्ता, जब कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति, एक मिनट, जब कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी। और जब, नोट नंबर टू, जब कर्ता विभक्ति सहित हो, विभक्ति सहित का मतलब होता है कर्ता की विभक्ति ने होती है, आप जानते हो ने का प्रयोग कर्ता के साथ हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। ये दो बिंदु आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर कर्ता विभक्ति रहित तो होगा तो क्रिया कर्ता के अनुसार, और कर्ता विभक्ति सहित तो होगा तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे एक बिंदु और यहीं पर देख लेते हैं, तीसरा, जब क्रिया, जब कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित हों, दोनों ही विभक्ति के साथ हों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये वाक्य शुद्धि में काम देगा, दोनों ही विभक्ति के साथ हों तो क्रिया किस किस रूप में होगी, कर्ता के रूप में होगी या कर्म के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर क्रिया सदैव ना तो कर्ता के अनुसार होगी ना कर्म के अनुसार होगी, क्रिया सदैव एक वचन होगी और पुलिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति के साथ प्रयुक्त हों तो क्रिया सदैव एक वचन और पुलिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप सभी लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, किसी भी तरह से आपको कुछ छोड़ना नहीं है। मैंने कहा कि जब कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति के साथ हों, जैसे राम ने रावण को मारा,
यहां पर राम ने, कर्ता ने, रावण को यानी कर्म को दोनों ही विभक्ति के साथ हैं, तो जो क्रिया होगी मारा क्रिया ये सदैव एकवचन और पुल्लिंग में होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ना तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी ना तो कर्म के अनुसार होगी। जैसे हमने लिख दिया राधा ने गीता को, यानी राधा ने का मतलब राधा कर्ता हो गई, गीता को का मतलब गीता कर्म हो गया, हो गई। अब यहाँ पर अगर पढ़ाया क्रिया है तो यहाँ पर ध्यान देना, राधा भी स्त्रीलिंग, गीता भी स्त्रीलिंग, लेकिन क्रिया जो है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है कि नहीं। अगर स्त्रीलिंग क्रिया होती तो पढ़ाई होता कि नहीं होता? अगर हम लिख देते राधा ने गीता को पढ़ाई तो ये क्या वाक्य सही लगता बताइए आप अपनी दृष्टि से, गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? तो जब कभी भी कर्ता ने विभक्ति के साथ हो और कर्म को विभक्ति के साथ हो तो जो क्रिया होगी वो सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाक्य शुद्धि में आपके काम देगा। क्रिया सदैव एक वचन और क्या होती है? पुल्लिंग होती है। कोई भी आप रख के चेक कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक वाक्य में और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लिख दें गांव वालों ने, अब गांव वालों ने, गांव वाले क्या हो गए? कर्ता हो गए, बहुवचन कर्ता है कि नहीं है? डाकुओं को, यहां पर देखिए डाकुओं बहुवचन कर्म के रूप में है कि नहीं है? कर्ता ने कर्म को, अब यहां पर जो क्रिया आएगी वो किस रूप में आएगी? वो एक वचन और पुल्लिंग के रूप में आएगी, क्योंकि गांव वालों ने, कर्ता ने, कर्ता बहुवचन है, कर्म को, डाकुओं को, कर्म भी बहुवचन है, लेकिन जो भगाया क्रिया आई है ये किस वचन में आई है? एक वचन में आई है। और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप कहोगे भगाया क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति के साथ हो तो जो क्रिया आती है वो सदैव एक वचन में और पुल्लिंग होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, बहुत अच्छे से क्लियर है? बताइए, एक आध वाक्य और मैं लिख दे रहा हूं। माता जी ने राहुल को पीटा। अब यहां पर माताजी कर्ता स्त्रीलिंग, राहुल कर्म पुल्लिंग। यहां पर क्रिया जो होगी वो सदैव पुल्लिंग और एक वचन होगी, ना तो माताजी के अनुसार आएगी ना तो राहुल के अनुसार आएगी। अब यहां पर लिख दो राहुल ने, अगर आपको संदेह हो कि कर्ता के अनुसार आया है तो गलत है। राहुल ने, यहां पर लिख देता हूं, गीता को अब यहां पर क्या हो जाएगा? पीटा। यहां पर पीटा जो क्रिया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले कर्ता पुल्लिंग हो, कर्म स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, कर पुल्लिंग, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कर्ता और कर्म किस रूप में है। बस आपको यह चेक करना है क्या कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति के साथ हैं। अगर हैं तो क्रिया का रूप जो होगा वो एक वचन होगा और पुल्लिंग होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अब आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान जान लिए, क्या करेंगे? क्या और किसको प्रश्न करके बना लेंगे। अगर उत्तर मिल जाएगा तो सकर्मक होगा, नहीं मिलेगा तो अकर्मक होगा। और जब किसको प्रश्न करेंगे तो कर्म जो मिलेगा वो कर्म कारक की विभक्ति को के साथ मिलेगा और सजीव कर्म होगा। और जब क्या प्रश्न से उत्तर मिलेगा तो कर्म निर्जीव होगा और निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? अब जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, इसके भी दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो भेद आपको जानना होगा। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ये दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के। अब यहां पर आप ध्यान दोगे, एक कर्मक क्रिया कहने का तात्पर्य यह है कि जब क्रिया के साथ कितना कर्म आए, जब क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? एक कर्मक क्रिया होगी। और जब क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होगा तो क्रिया क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। यहां पर जो परिभाषा है वो शब्द में ही छिपा हुआ है, आप सभी लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ोगे तो आ जाएगा। एक कर्म क्रिया के साथ होगा तो एक कर्मक, और दो कर्म क्रिया के साथ होगा द्विकर्मक। यानी जब एक कर्मक होगा द्विकर्मक होगा तो क्रिया सकर्मक ही तो होगी, सकर्मक क्रिया के ही दोनों भेद है। अब आपको चेक करना है वाक्य में किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया है और किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा,
एग्जाम्पल लिखा कि अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। और दूसरा वाक्य मैंने लिख दिया अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। यहां पर आप देखोगे पहले वाक्य में पढ़ाते हैं क्रिया है, और प्रश्न करोगे क्या पढ़ाते हैं, उत्तर मिलेगा हिंदी, हिंदी कर्म हो जाएगा तो क्रिया क्या हो गई, एक कर्मक, एक ही कर्म तो दिया हुआ है। बोलिए अध्यापक छात्रों को किसको पढ़ाते हैं, छात्रों को, यहां पर भी एक कर्म दिया है, तो जब एक कर्म दिया है तो क्रिया क्या हो गई, एक कर्मक। क्लियर? तो जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म दिया हो, अब यहीं पर हम लिख दें कि अध्यापक ने योजना बनाई, अध्यापक ने योजना बनाई, और अगर इसमें पूछा जाए कि एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक, योजना बनाई क्या बनाई, उत्तर मिलेगा योजना, तो योजना जो है वो आपका क्या है, कर्म है। अध्यापक ने, यहां पर देखिए ने आ गया, इसका मतलब क्रिया सकर्मक है, तो अध्यापक हो गया कर्ता और योजना हो गया कर्म और बनाई हो गई क्रिया, तो कि कितने कर्म आए हैं वाक्य में, तो आप कहोगे एक कर्म आया है, तो इसलिए वाक्य कैसा होगा, एक कर्मक क्रिया का होगा। क्लियर है? अब हम लिख दें कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया। अब यहां पर आप देखोगे प्रश्न करोगे क्या पढ़ाया, उत्तर मिलेगा हिंदी, किसको पढ़ाया, तो उत्तर मिलेगा छात्रों को, तो दो कर्म मिल गया कि नहीं मिल गया, एक कर्म मिल गया आपको हिंदी, और एक कर्म आपका मिल गया अध्यापक ने छात्रों को, तो छात्रों को यहां पर दो कर्म मिल गया, तो ये जो पढ़ाना क्रिया है वाक्य में किस कितने कर्म आए हैं, दो कर्म आए हैं, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। तो जब क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो तो क्रिया द्विकर्मक होती है, और एक कर्म प्रयुक्त होगा तो क्रिया एक कर्मक होती है। क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा, अगर द्विकर्मक क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बोलने जा रहा हूं, अगर क्रिया द्विकर्मक है, यहां पर जैसा कि दिया हुआ है, तो इसमें एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा, यानी एक कर्म जो होगा वो प्रधान कर्म होगा और दूसरा कर्म जो होगा वो गौण कर्म होगा, तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा मुख्य कर्म है और कौन सा गौण कर्म है, तो ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया से ठीक पहले होगा, क्रिया से ठीक पहले जो कर्म होगा वो मुख्य कर्म होगा, और जो क्रिया से ठीक पहले होगा वो कर्म क्या होगा, सदैव निर्जीव होगा, यानी निर्जीव जो होगा वही निर्जीव कर्म को क्या कहेंगे, मुख्य कर्म, और जो निर्जीव कर्म होता है, मैंने बताया है आपको कई बार, इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, यानी ये को विभक्ति के बिना आता है, तो तीन पहचानने का मैंने तरीका बताया कि अगर मुख्य कर्म की पहचान करनी है द्विकर्मक क्रिया में, तो क्रिया से ठीक पहले जो कर्म होगा वही मुख्य कर्म होगा, अगर आप भूल जाते हो तो इतना याद रखो कि जो निर्जीव होगा वही मुख्य कर्म होगा, और ये भी भूल जाते हो तो याद रखो जिस कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात जो कर्म को विभक्ति रहित होगा ऐसा कर्म मुख्य कर्म होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि मोहन ने, नया एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, मोहन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, मोहन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, एक कर्म ये हो गया, किसको पढ़ाया, छात्रों को, एक कर्म ये हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर मुख्य कर्म पहचानना है तो क्रिया से ठीक पहले होगा। यहां पर पढ़ाया क्रिया है, इसके ठीक पहले कौन सा कर्म आया है? हिंदी आया है, तो ये कौन सा कर्म हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब इस वाक्य में मुख्य कर्म अगर पूछ ले तो आप बता देना हिंदी जो है वो मुख्य कर्म है। अब यहां पर अगर भूल जाओ तो यहां पर देखो हिंदी निर्जीव है कि नहीं है, तो यहां पर निर्जीव जो होता है कर्म वही मुख्य कर्म होता है, ये भी याद रखो। अब यहां पर देखोगे जो निर्जीव कर्म होता है, मैंने बताया इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो यहां पर हिंदी के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दूसरा देखिएगा गौण कर्म किसे कहते हैं, तो जो मुख्य कर्म के पहले आता है वो गौण कर्म होता है, और जो गौण कर्म होता है वो सजीव होता है, और जो सजीव कर्म होता है वो को विभक्ति के साथ आता है। अब यहां पर दूसरा देखिएगा ये मुख्य कर्म के पहले कौन सा कर्म आया है? छात्र, तो छात्र सजीव है कि नहीं है, और जब सजीव कर्म है तो यहां पर देखिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। तो आपका अगर द्विकर्मक क्रिया का वाक्य दिया हो उसमें पूछा जाए कि मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान करें, तो आसानी से पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे, बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो मुख्य कर्म की पहचान कैसे करेंगे? क्रिया से ठीक पहले होगा और वही निर्जीव होगा, और उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, और जो गौण कर्म होगा वो मुख्य कर्म से पहले होगा, और जो उसके पहले होगा वो सजीव कर्म होगा, और जो सजीव कर्म होगा उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान कर लेंगे। अब यहां पे देखिए कर्ता ने कर्म को, जब कर्ता ने कर्म को दोनों आ जाए तो जो क्रिया होती है वो सदैव एकवचन और पुल्लिंग होती है, मैंने आपको बताया। क्लियर है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बताइएगा। एक वाक्य में लिख रहा हूं कि पिताजी ने गरीबों को कंबल या गरीबों को दान दिया। पिताजी ने गरीबों को दान दिया, अगर पूछे एक कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है, ऐसे मैं और भी लिख दे रहा हूं, मोहन ने राहुल को यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा आराम से, कि मोहन ने राहुल को उपहार दिया। और मैं एक वाक्य लिख दे रहा हूं, अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। अब तीनों वाक्य में आपको ये बताना है कि किसमें एक कर्मक क्रिया है और किसमें द्विकर्मक क्रिया है, तो आप ध्यान से पढ़ के बताइए, उत्तर दीजिए, किसमें एक कर्मक क्रिया है किसमें द्विकर्मक क्रिया। पिताजी ने, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पिताजी ने, ये तो कर्ता हो गया, ये क्या हो गए पिताजी? कर्ता हो गए। गरीबों को दान दिया, दिया क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी, देना क्रिया से बना है। क्या दिया? दान दिया। किसको दिया? गरीबों को दिया। अब यहां आप कहोगे एक कर्म दान हो गया, एक कर्म हो गया गरीबों को, तो आप लगा दोगे द्विकर्मक क्रिया, और ये गलत हो जाएगा। ये जो क्रिया है ये एक कर्मक क्रिया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया है। अब आप कहोगे कि दो कर्म तो दिख रहा है, एक कर्म है दान और एक कर्म है गरीब, तो कैसे एक कर्मक क्रिया हो गया? तो समझिएगा, जब हम कारक पढ़ते हैं तो एक होता है कर्म कारक और एक होता है संप्रदान कारक। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कर्म कारक और संप्रदान कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो को होती है, और जो संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है इसमें भी को का प्रयोग होता है और के लिए का प्रयोग होता है।
तो यहां पर हमको दोनों में अंतर समझना होगा कि संप्रदान कारक में को कब आता है और कर्म कारक में को कब आता है। तो यहां पर संप्रदान कारक का मतलब ही होता है किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो संप्रदान कारक होते हैं। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, इसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संप्रदान कारक होते हैं। तो यहां पर पिताजी ने गरीबों को कंबल दान दिया या पिताजी ने गरीबों को दान दिया शब्द जो दिया गया है, यहां पर जो दिया क्रिया आई है देने के सेंस में आई है, क्या दिया, दान दिया। तो एक यहां पे कर्म हो गया दान। अब इस कंडीशन में जब देने के अर्थ में क्रिया प्रयुक्त होती है तो जो गौण कर्म होता है, यहां पर देखिएगा जो सजीव कर्म होता है ये गौण कर्म होता है, तो यहां पर जो गौण कर्म होगा इसे हम क्या मान लेते हैं, संप्रदान कारक मान लेते हैं। तो यहां पर गौण कर्म जो बनेगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा और क्रिया क्या हो जाएगी, एक कर्मक हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब कभी भी क्रिया कुछ देने के अर्थ में आए और ऐसी चीज जो स्थाई रूप से दे दी जाए तो इसके लिए जो गौण कर्म होता है जो संप्रदान कारक बन जाता है, वहां पर कर्म कारक नहीं होता। लेकिन यहां पर अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया, यहां पर पढ़ाया क्रिया आई है, क्या पढ़ाया आप प्रश्न करोगे तो उत्तर मिलेगा गणित, किसको पढ़ाया तो उत्तर मिलेगा छात्रों को। अब यहां पर देने के अर्थ में तो क्रिया प्रयुक्त हुई नहीं है, तो यहां पर एक कर्म हो जाएगा गणित और एक कर्म हो जाएगा छात्रों को हो जाएगा। तो यहां पर जो क्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। लेकिन यहां पर आप देखोगे दूसरे वाले वाक्य में कि मोहन ने राहुल को उपहार दिया, यहां पर मोहन ने राहुल को उपहार दिया, देना क्रिया आई है, प्रश्न करो क्या दिया, उपहार दिया, किसको दिया, राहुल को। तो जो उपहार होता है दान होता है पुरस्कार होता है, जब इसके सेंस में गौण कर्म आता है तो यही गौण कर्म संप्रदान कारक बन जाता है। तो यहां पर राहुल जो है वो संप्रदान कारक है, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं। तो जो क्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक कर्मक हो जाएगी। तो जब देना क्रिया दी हो वाक्य में और यहां पर देना क्रिया जब कुछ परमानेंटली देने के सेंस में आती है तो यहां पर गौण कर्म जो होता है वो संप्रदान कारक बन जाता है और क्रिया क्या हो जाती है, एक कर्मक हो जाती है। यह बिंदु आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पर नोट बना के लिख दे रहा हूं, नोट आप सभी लोग नोट कर लीजिए। जब क्रिया स्थाई रूप से कुछ देने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो गौण कर्म संप्रदान कारक बन जाता है। तो गौण कर्म का मतलब सजीव कर्म। ध्यान दीजिएगा, जो सजीव कर्म होगा जिसके साथ को विभक्ति आएगी वो क्या बन जाता है, संप्रदान कारक बन जाता है। तो गौण कर्म संप्रदान कारक बन जाता है। क्लियर। जब क्रिया स्थाई रूप से कुछ देने के अर्थ में आती है तो गौण कर्म क्या बन जाता है, संप्रदान कारक बन जाता है। तो ये था आपका एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। समझ में आई होगी बात, चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए इसके आगे और भी बातें हैं, हम आपसे चर्चा करते हैं। अब हम कुछ प्रश्न देंगे आपको, उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, कुछ वाक्य देंगे, आपको बताना है क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पहला दे देता है आना, दूसरा विकल्प दे देगा जाना, और तीसरा विकल्प दे देगा खाना, और चौथा विकल्प दे देगा गिरना। अगर पूछ ले इसमें क्रिया अकर्मक या सकर्मक, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें पूछे सकर्मक क्रिया की पहचान करें। अब यहां पे दूसरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला विकल्प है का खेलना, खेलना, दूसरा विकल्प है रोना, तीसरा विकल्प है फेंकना,
और चौथा विकल्प है कूदना। अब इसमें पूछे क्वेश्चन नंबर दो में पूछे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया बताना है। अब विकल्प दे दे कूट बना के कि का खा गा, या दे दे का गा, या दे दे का गा घा, या आपका दे दे का खा गा और घा, इस प्रकार से कूट बना दे। अब यहां पर पहले प्रश्न का उत्तर पहले देखते हैं क्या होगा। आना क्रिया क्या है? अकर्मक है। क्या आता है? उत्तर नहीं मिलेगा। जाना क्रिया क्या है? अकर्मक है। क्या जाता है? उत्तर नहीं मिलेगा। खाना क्रिया क्या है? सकर्मक है। क्या खाता है? उत्तर मिल जाएगा, फल। गिरना क्रिया अकर्मक है। क्या गिरता है? उत्तर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते, कोई जरूरी नहीं कि आपको वाक्य में ही देकर क्रिया शब्द प्रश्न पूछा जाए सकर्मक है या अकर्मक है, ऐसे भी प्रश्नों को पूछा जाता है। क्लियर है? अब यहां पर दूसरा जो प्रश्न है इसमें खेलना क्रिया है और रोना क्रिया है, ये रोना लिखा हुआ बेटा, या फेंकना क्रिया है और कूदना क्रिया है। अब इसमें आपको बताना है कौन सी अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। तो चलिएगा, क्या खेलता है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा। क्या रोता है? नहीं उत्तर मिलेगा, तो क्या हो जाएगी? अकर्मक। क्या फेंकता है? उत्तर मिलेगा, क्या मिलेगा? भाला, कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा, ईंटा पत्थर भाला चाकू। क्या कूदता है? नहीं उत्तर मिलेगा। तो यहां पर आपको पता चला कि जो खेलना क्रिया है और जो फेंकना क्रिया है ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। अब प्रश्न में देखिए का और गा विकल्प दो में दिया हुआ है, तो यही का और गा वाला आपका सही होगा। तो इस तरह कूट में भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना होगा और चारों विकल्पों पर आपको प्रश्न बनाना होगा, और यदि प्रश्न बनाने के बाद उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी, और नहीं मिलता है तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे वाक्य देकर भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहां पर हम लिख दें पहला वाक्य पक्षी घोंसले में रहते हैं, पक्षी घोंसले में रहते हैं। दूसरा हम लिख दें मगरमच्छ शेर को खा गया। तीसरा हम लिख दें कि राहुल बहुत तेज दौड़ता है। चौथा वाक्य हम लिख दें मोहन कार धुल रहा है। चौथा अगला हम लिख दें दुकानदार सब्जी बेच रहा है। अब आपसे पूछा जाए किसमें सकर्मक क्रिया है और किसमें अकर्मक क्रिया, तो तुरंत आप बता देंगे। पक्षी घोंसले में रहते हैं, रहते हैं क्रिया क्या होगी? अकर्मक। रहता क्रिया ही क्या है? अकर्मक क्रिया है कि नहीं, चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या रहता है? कोई उत्तर नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। यहाँ पे घोंसले में ये अधिकरण कारक होगा, कर्म कारक नहीं होगा, अधिकरण में पर आता है। मगरमच्छ शेर को खा गया, क्या खा गया? किसको खा गया? शेर को खा गया। तो शेर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। राहुल बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया अकर्मक क्रिया है। आप जानते हो क्या दौड़ता है? उत्तर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत तेज शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। आप देखेंगे मोहन कार धुल रहा है, क्या धुल रहा है प्रश्न करोगे तो उत्तर मिलेगा कार। इसका मतलब धुलना क्रिया क्या है? सकर्मक है। तो यहाँ पर धुलना क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। ऐसे ही दुकानदार जो है वो सब्जी बेच रहा है, क्या बेच रहा है? उत्तर मिलेगा सब्जी। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? बेचना क्रिया, सकर्मक। तो बेचना क्रिया, खेलना क्रिया,
पढ़ना क्रिया, खाना क्रिया, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं इनके पीछे कर्म छिपा होता है, तो ऐसी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। क्लियर है? चलिए अब ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपका होता है समाप्त। तो अब एक बार हम ड्राफ्टिंग कर दे रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया कर्म अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद, एक जगह पर मैं पूरा जितना अभी तक पढ़ाया हूँ एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। अगर बात की जाए कर्म अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो आपके बद क्रिया कितने भेद हो गए? दो। हेडिंग बना लीजिएगा, एक ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा, शार्प नोट्स बन जाएगा। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं इस आधार पर? दो भेद, और वो दोनों आपने देखा, आपने देखा भी, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। क्या होती है? अकर्मक क्रिया, और एक होती है सकर्मक क्रिया। मैंने बताया जब क्रिया कर्म के बिना प्रयुक्त हो, यानी जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो, अथवा जब क्रिया कर्म रहित हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। और जब क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात क्रिया कर्म सहित हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। कर्म सहित क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। अब इसके बाद मैंने बताया आपको जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया जो होते हैं इसके भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। अगर सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो इसके भी दो भेद होते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक होती है एक कर्मक क्रिया। क्या होती है? एक कर्मक क्रिया, और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया के बारे में बताया मैंने कि जब क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, कितने कर्म? एक कर्म, तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। और जब क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, दो कर्म प्रयुक्त हो, तो क्रिया क्या हो जाएगी? द्विकर्मक। और जब क्रिया द्विकर्मक होगी, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, तो इसमें दो कर्म होंगे, एक कर्म होगा जो प्रधान कर्म होगा यानी मुख्य कर्म होगा, और दूसरा कर्म जो होगा वो क्या होगा? गौण कर्म होगा। दूसरा कर्म जो होगा वो गौण कर्म होगा। और मैंने बताया आपको मुख्य कर्म जो होगा वो क्रिया से ठीक पहले होगा, और वो निर्जीव कर्म होगा, और उसके साथ कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। और जो गौण कर्म होगा ये सजीव होगा, मुख्य कर्म से पहले होगा, और इसके साथ कोई विभक्ति का प्रयोग होगा। इतनी बातें आपने देखी। अब इसको बना लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, ठीक है? ये एरो यहां गया हुआ ये। अब इसके बाद हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आपने देखा, फिर से मैं एक बार समझाए दे रहा हूं, सकर्मक क्रिया की पहचान की अगर बात की जाए तो मैंने आपसे दो प्रश्न बताया, वो दोनों प्रश्न आप लोग नोट करिएगा। क्रिया से ठीक पहले दो प्रश्न करेंगे। क्या? क्रिया से ठीक पहले दो प्रश्न करेंगे। ड्राफ्टिंग कर दे रहे हैं हम, आप लोग बना लीजिए। क्रिया से ठीक पहले दो प्रश्न करना है। इन दो प्रश्नों में अगर हम देखें तो एक प्रश्न है क्या, और दूसरा प्रश्न है किसको। अगर इन दोनों प्रश्नों को करने के बाद, इन दोनों प्रश्नों को करने के बाद यदि उत्तर की प्राप्ति होती है, यदि उत्तर मिलता है, तो जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। तो क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। क्लियर? अब दूसरी पहचान, दूसरी पहचान हमने बताई, सेकंड ट्रिक, कि सामान्य भूतकाल में हम वाक्य को बदलेंगे। दूसरी पहचान, सामान्य भूतकाल में
वाक्य को बदल लेंगे। सामान्य भूतकाल में वाक्य को बदलने पर क्या होगा? यदि, ध्यान दीजिएगा, बना लीजिए, कर्ता के साथ ने विभक्ति, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति आती है तो जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। अगर नहीं आती है तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। यदि सामान्य भूतकाल में वाक्य को बदलने पर कर्ता के साथ ने आता है विभक्ति तो क्रिया सकर्मक होगी, और नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होगी। और पहला जो ट्रिक है मैंने बताया, फर्स्ट ट्रिक, इसमें बताया कि क्रिया से ठीक पहले हम दो प्रश्न करेंगे, एक क्या प्रश्न करेंगे और एक किसको प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी और नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फटाफट शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद और भी देखते हैं, हो गया होगा। ये दोनों स्क्रीनशॉट आप लोग बना लीजिए फटाफट। चलिए, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले आज हम इस क्लास को रिवीजन कर लेते हैं, दो मिनट लगेगा। जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है उतनी बातों को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्रिया के बारे में कि क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने क्रिया की परिभाषा बताई कि वाक्य जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। अब कैसे हम पता करेंगे कि किस क्रिया में कौन सी धातु है? तो सबसे पहले हम किसी क्रिया का कोई भी रूप लिखा हो उसको सामान्य रूप की क्रिया में बदलते हैं, और जब सामान्य रूप की क्रिया बदल लेते हैं तो ना प्रत्यय को हटा देते हैं, जो शेष बचता है वही धातु कहलाता है। यानी जब हम किसी क्रिया में ना जोड़ते हैं तो वो सामान्य रूप की क्रिया मिलती है, और जब ना हटा देते हैं तो वही धातु बचता है, अर्थात धातु में हम ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य रूप की क्रिया का निर्माण करते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि क्रिया का कोई भी रूप दिया हो, क्रिया के सभी रूपों में धातु जो होती है वो उपस्थित होती है, बस हम पहचानते हैं सामान्य रूप की क्रिया में ना हटा देते हैं तो शेष जो बचता है वही धातु होता है। फिर हमने क्रिया के भेद पर चर्चा किया, जिसमें कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर हमने देखा क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त ना हो, यानी क्रिया के साथ कर्म ना प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्रिया अकर्मक होती है, और जो क्रिया कर्म के साथ आती है वो क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके साथ कर्म छिपा होता है, भले ही कर्म दिया ना हो अगर हम कर्म की पहचान कर लेते हैं तो जान जाते हैं क्रिया क्या है? सकर्मक है। जैसे हमने बताया पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या किसको प्रश्न करिए, यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। दूसरी पहचान मैंने बताई कि अगर वर्तमान काल या भविष्य काल का कोई क्रिया दी हुई है या वाक्य दिया हुआ है तो उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करते हैं, और सामान्य भूतकाल के वाक्य में यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो क्रिया सदैव सकर्मक होती है। अर्थात जब कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए तो इसका मतलब 100% क्लियर है कि वाक्य जो है वो सामान्य भूतकाल का है, यानी भूतकाल में ही होगा क्रिया कर्ता के साथ ने का प्रयोग, और क्रिया सदैव सकर्मक होती है। और मैंने बताया सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब जब क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जब क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होगा तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। और जब द्विकर्मक क्रिया का कोई वाक्य होगा तो उसमें दो कर्म होंगे, एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया से ठीक पहले होगा और वो निर्जीव होगा, और जब निर्जीव होगा तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब सजीव कर्म होता है तो वो गौण कर्म कहलाता है और उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, और सजीव कर्म यानी गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले वाक्य में प्रयुक्त होता है।
इतनी बातें आप लोगों ने देखी, क्लियर है। इसके बाद अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए हेडिंग बनाते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद या अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। तो अगला पॉइंट है हमारा क्रिया के दूसरे भेद के बारे में, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। एकदम समझ के पढ़िएगा, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठकर जो भी पॉइंट्स आपको नोट करने हो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं से भी कोई कसर ना रह जाए, ऐसा आपको पढ़ना है। तो हम देखेंगे आपको पढ़ना है इसी में सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर आप पढ़ोगे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नोट करते रहिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे, पहले एक जगह ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाम बोधक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब जब हम संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे तो इसके 11 भेद होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। जब प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे तो इसके भी हम देखेंगे 2 रूप होते हैं, उन दोनों रूपों पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रियार्थक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? क्रियार्थक संज्ञा। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, फिर इसके बाद संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, इसको भी देखेंगे। जब हम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे तो इसमें भी 2 रूप होते हैं, इसको भी देखेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रियार्थक संज्ञा। तो इतनी चीजें हमको हम लोगों को पढ़नी है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसमें हम जो भी बताए हैं ड्राफ्टिंग करवाए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो से हम लोग सहायक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।